बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन मैटर्स। आई वेलकम यू ऑल हियर एंड टुडे आवर टॉपिक विल बी गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन। आज के टॉपिक के अंदर हम गुड बाय मिस्टर चिप्स के ऊपर बहुत सारी जो कन्फ्यूजन और एम्बिग्यूटीज़ लोगों को, स्टूडेंट्स को फील होती हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखना ये है कि क्या वाकई ये गुड बाय मिस्टर चिप्स के ऊपर जो ट्रबल सब लोगों को फेस होती है वाकई इतना मुश्किल है। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट इंशाल्लाह। वंस वी आर डन विद दिस ट्यूटोरियल यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू एक्चुअली ग्रैस्प एंड कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग्स एंड द कन्फ्यूजन्स एंड एम्बिग्यूटीज दैट यू फील व्हाइल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ फ्यू ऑफ द एस्पेक्ट्स बाय एंड ऑफ कोर्स द टेक्निक्स दैट मिस्टर जेम्स हिल्टन हैज़ एम्प्लॉयड। तो ये सब चीज़ें हम जो हैं वो आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ अबाउट द नॉवलिस्ट। अब ये एक बड़ी अहम चीज़ है। बाज़ूकात स्टूडेंट्स पूछते हैं, दे आस्क मी व्हाई इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू गेट टू नो अ बिट ऑफ अ बैकग्राउंड अबाउट द नॉवलिस्ट और अ पोएट। द आंसर टू दैट इज़ कि ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी नॉवलिस्ट की बैकग्राउंड को समझना। इसलिए भी बिकॉज जिस ईरा में वो नॉवलिस्ट, पोएट या प्ले राइट रहता है वो उसके ऊपर उसका एक बड़ी गहरी छाप होती है, उसके ऊपर एक बड़ा डीप इम्प्रेशन है जो उस ईरा का किसी भी लिखने वाले के ऊपर, खा वो राइटर हो, नॉवलिस्ट हो, ड्रामाटिस्ट हो, पोएट हो, उसके ऊपर एक उसका छाप जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है और उसी को डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी है। As you can already see, I've been trying to bilingual here. Of course, ये इसलिए है ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। Still, I will appreciate your feedback in the comments section as well. आप उसके बारे में बता सकती है कि इसके ऊपर आपका क्या जो है वो अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी किस तरह से आ सकती है। So let's start getting to know about the novelist. His full name was James Hilton. Then importantly, he was born in Lancashire, England, September 9, 1900. Now, this date is, of course, very important. अभी मैंने पहले बताया, so उनकी पैदाइश जो है वो 1900 में जो है वो हुई थी. Then, he was the son of John Hilton, who was the headmaster of a school. एक और important aspect ये है कि James Hilton, जो हमारे novelist हैं, वो John Hilton, जो कि उनके father थे, जो कि ख़ुद भी एक हेडमास्टर थे, तो ज़ाहिर है कि उसकी भी एक बड़ी अहमियत है। ज़ाहिर है कि वो अपने फादर को देख के, फादर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे जेम्स हिल्टन, और तो वो भी एक जो है वो एलिमेंट इसमें याद रखने की ज़रूरत है। इसके बारे में आगे भी चल के डिस्कस करते हैं। देन अबाउट जेम्स हिल्टन वेरी क्विकली, two of his most illustrious works are Lost Horizon that he wrote in 1933 and Goodbye Mr. Chips of course that was written in 1934. Later on Mr. James Hilton became American citizen and when he went to America he applied for the citizenship of course and then he was granted the American citizenship in 1948. While he was there, he wrote many Hollywood screenplays as well. तो वहाँ पर जाके हॉलीवुड में काम किया और वहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो स्क्रीन प्लेज भी लिखे। जो कुछ मेजर थीम्स हैं जो जेम्स हिल्टन अपने राइटिंग्स में डिस्कस करते हैं, उनमें फ्लॉज इन द इंग्लिश सोसाइटी ऑफ हिस टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल नैरो माइंडेडनेस एंड क्लास कॉन्शियसनेस वर फ्रीक्वेंटली हिज टारगेट्स। तो वो अपनी ज़्यादातर जो राइटिंग्स हैं उसमें इंग्लिश सोसाइटी की नैरो माइंडेडनेस यानी कम और या तंग नज़री और क्लास कॉन्शियसनेस, और ये एक एहसास क्लास कॉन्शियसनेस का यानी मुआशरे में जो तबकाती निज़ाम है, अमीरी गरीबी का फ़र्क जिसको आप कहते हैं, वो उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बार बार हिट किया और वो टारगेट्स रहे उनके। मूविंग फॉरवर्ड विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, अभी हमने ऊपर भी बात की, हिल्टन ड्रू इंस्पिरेशन फ्राम हिज ओन टाइम एज अ प्यूपल। अब ये जो गुड बाय मिस्टर चिप्स है इसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन और एक भाम रहता है कि ये ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, फिक्शन है, क्या है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पॉइंट को देखिए। तो
Hilton drew inspiration from his own time as a pupil in the Lees School 1915 to 18. तो पहली चीज़ अपना जो तालिब इल्मी का ज़माना उन्होंने जो स्कूल है द लीज स्कूल 1915 से 18 तक उससे जो है वो दिलचस्पी पैदा हुई. His father who was the headmaster of chapel and school and ये हम बात ऊपर भी पढ़ चुके हैं जॉन हिल्टन की बात हो रही है तो अपने फादर से इंस्पायर हुए. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस वाज डब्ल्यू एच बेलगानी हु वाज अ मास्टर एट द स्कूल वेयर हिल्टन स्टडीड एज अ यंग बॉय. सो ऑल दीज थ्री एस्पेक्ट्स थ्री यू नो एलिमेंट्स वर मेजर इन्फ्लुएंसर्स एंड ही डिसाइडेड टू राइट गुड बाय मिस्टर चिप्स एज वेल. तो ये इन्फ्लुएंस है जो कि मिस्टर चिप्स नावल लिखने का बायस बना. ये तीन जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की. अब इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स. मिस्टर चिप्स ऑफ कोर्स इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल. मिसेस विकेट अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर वॉज द लैंड लेडी. डॉक्टर मैरीवेल वॉज द डॉक्टर हु ट्रीटेड मिस्टर चिप्स. मिस्टर वेदरबाय प्रिंसिपल ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल एंड कॉली हु वॉज अ स्टूडेंट. नाउ मिस्टर चिप्स प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल. वेरी क्विकली बात कर लेते हैं. प्रोटैगनिस्ट एक तरह से हीरो को कंसिडर आप कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो ऑल द नॉट इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड यू नो अ प्रोटैगनिस्ट कुड बी कंसिडर्ड एज अ हीरो बट येस फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग यू कैन कंसिडर प्रोटैगनिस्ट एज द हीरो ऑफ द नावल. तो आप उसको ये कंसिडर कर सकते हैं कि प्रोटैगनिस्ट थे यानी एक ऐसा कैरेक्टर मेन कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द नावल जो है वो घूमता है. मिसेस विकेट जो कि लैंड लेडी हैं वहाँ पे और वहाँ की जो है वो यानी उनके हाँ किराए पे रहते थे मिस्टर चिप्स. डॉक्टर मैरीवेल हैं वो डॉक्टर जो कि मिस्टर चिप्स को ट्रीट करते हैं तो हमें आइडिया होता है इस बात का कि शायद मिस्टर चिप्स बीमार हैं. मिस्टर वेदरबाय जो कि प्रिंसिपल हैं ब्रुकफील्ड स्कूल के इनका जिक्र आगे आएगा और कॉली हु वाज अ स्टूडेंट इसका भी जिक्र आएगा. देन इम्पॉर्टेंटली पॉइंट्स टू रिमेंबर. लुक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम इसको स्टार्ट में ही इन पॉइंट्स को समझ लें तो मिस्टर चिप्स को समझने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए. ये फाउंडेशन जो है वो इस वक्त ज़रूरी है इसी को अंडरस्टैंड कीजिए. सो स्टूडेंट्स ये देखिए कि पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहली चीज़ क्या है. गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ ए बायोग्राफी. अब याद रखना ये है कि वो एक बायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी नहीं है. बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में फ़र्क है. बायोग्राफी वो है जो किसी और शख्स कोई सेकंड आदमी कोई थर्ड पर्सन जो है वो आपकी अपनी होने वाले हालात और वाक़यात को लिखे किसी किताब की शक्ल में. और ऑटोबायोग्राफी ये है कि आप अपने तमाम होने वाले वाक़यात के मुतालिक ख़ुद से तमाम जो है वो चीज़ों को लिखें. तो ये इट इज़ नॉट एन ऑटोबायोग्राफी इट इज़ ए बायोग्राफी. सो गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ अ बायोग्राफी. सेकेंडली इट इज़ अ नावल एंड नॉट अ नावल. वेरी ब्रीफली एंड क्विकली नावल कंसिडर इसको किया जाता है जबकि ये नावल नहीं है. नावल और नावला में फ़र्क ये है कि नावला वो जो कि एक शॉर्ट राइटिंग होती है और जनरली एक या दो सिटिंग्स में कंप्लीट कर लिया जाता है. एंड इफ़ यू लुक एट द बुक्स यू नो दैट यू हैव एंड ये जो गुड बाय मिस्टर चिप्स का नावल है अगर आप इसको देखें तो ये भी शायद अराउंड 45 to 50 पेजेस होगा. इससे ज़्यादा जो हैं ये पेजेस नहीं हैं. सो दैट इज़ वाई अ नावला इज ए शॉर्ट नावल. देन द थर्ड पॉइंट इज जेम्स हिल्टन हैज़ एम्प्लॉयड फ्लैशबैक टेक्निक इन इट. ये एक दो और फोर्थ रैपिड एसोसिएशन ऑफ थाट. ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं अगर आप ये समझ लें तो गुड बाय मिस्टर चिप्स बिल्कुल भी कभी भी आपके लिए दिक्कत का बायस नहीं बनेगा. मैं इसको समझा देता हूँ. इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए. जेम्स हिल्टन ने फ्लैशबैक टेक्निक. फ्लैशबैक टेक्निक वो है जैसे कि आप रिलेट कीजिए बात को कि अपने टेलीविजन ड्रामास के अंदर देखते हैं तो वो टेलीविजन ड्रामास जिसमें के किसी भी कैरेक्टर को के पास्ट के बारे में अगर कोई चीज़ दिखानी हो तो जनरली या तो उसको ब्लैक एंड वाइट में शो कर दिया जाता है ऑडियंस की आसानी के लिए ये बताने के लिए कि ये फ्लैशबैक में वो कैरेक्टर चला गया है यानी किसी पास्ट मेमोरी में. तो मिस्टर चिप्स के थ्रू आउट नावल के अंदर भी ऐसा ही है. हमें प्रेजेंट में बैठे हुए मिस्टर चिप्स मिलेंगे टाइम एंड टाइम अगेन एंड ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ द पास्ट इवेंट्स दैट हैपन्ड इन हिज लाइफ एज वेल. सो
एंड दिस इज़ वेयर जनरली स्टूडेंट्स डू टेंड टू गेट कन्फ्यूज एंड दैट इज द रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए फ्लैश बैक टेक्निक दैट जेम्स हिल्टन आर नॉवलिस्ट हैज़ एम्प्लॉयड. सो ये याद रखने की ज़रूरत है. सो फ्लैश बैक टेक्निक जो है वो इसमें यूज़ की गई है. देन देर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ रैपिड एसोसिएशन ऑफ थाट. अब ये रैपिड एसोसिएशन ऑफ थाट भी मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है फ्लैश बैक टेक्निक और इसमें कि रैपिड एसोसिएशन ऑफ थाट ये है कि एक ख्याल का दूसरे ख्याल से जुड़ना, यानी एक लिंक होना किसी एक ख्याल का. आपने आपको बात करने के दौरान में अपने किसी घर में बात करते हुए, किसी फ्रेंड से बात करते हुए आपने एक बात की और फिर आपको ये ख्याल आया कि ये बात आपने शायद किसी और से भी कहीं सुनी है, तो फिर आपने जिनसे सुनी है ये बात पहले अगर सुनी हो तो फिर उसके बारे में कुछ और ख्याल और फिर उससे कुछ और ख्याल. सो एक ख्याल का दूसरे से जुड़ना और फिर वो कड़ियाँ मिलते जाना जो है उसको रैपिड एसोसिएशन ऑफ थाट कहते हैं. ये भी हमें इस नावल में मिलेगा, मिस्टर चिप्स का एक ख्याल से दूसरे ख्याल की तरफ बढ़ना और फिर तीसरे की तरफ जाना. तो ये दो पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं. और आखिरी बात पॉइंट्स टू रिमेंबर में कि लास्ट पैराग्राफ ऑफ एवरी चैप्टर प्रिपेयर्स द रीडर फॉर द अपकमिंग इवेंट्स. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग टेक्निक एज वेल. हमें हर चैप्टर के आगाज में, मोस्टली हमें हर चैप्टर के इख्तिताम पर उसके आगे होने वाली चीज़ों को, आने वाले हालात वाक़ियात के बारे में एक इशारा जो है वो मिल जाता है. तो चलिए चैप्टर वन को पढ़ना शुरू करते हैं और इसको समझते हैं. आई रीड इट आउट फॉर यू और फिर हम इसको डिस्कस करते चले जाते हैं. व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल ऑफ कोर्स यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स एंड द आवर्स सीम टू पास लाइक लेजी कैटल मूविंग अक्रॉस अ लैंडस्केप. इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड एंड द डेज शॉर्टन टिल इट वॉज एक्चुअली डार्क इनफ टू लाइट द गैस बिफोर कॉल ओवर. ओके, तो इसको देख लेते हैं. तो बात क्या कर रहे हैं वो कि वेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल ऑफ कोर्स. नॉट इल ऑफ कोर्स का मतलब ये है कि हमें एक ये चीज़ समझने में आसानी रहेगी. वो ये बात कर रहे हैं कि तर्जमा इसका जो है वो आपकी सहूलत के लिए कर देता हूँ. और वो ये कि जब आप बूढ़े हो रहे हों, और ब्रैकेट वाली बात, बट नॉट इल ऑफ कोर्स, लेकिन यकीनन बीमार ना हो. तो मतलब ये कि जब इंसान बूढ़ा हो रहा होता है तो वो बाज़ुकात बहुत ज़्यादा उस पर नींद का गलबा तारी हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे कि वो एक बहुत ही लेज़ी कैटल. इंसान अपने आप को बहुत सुस्त जो है वो महसूस करता है और यानी उतनी तेज़ी के साथ भाग दौड़ जो है वो नहीं कर सकता. तो बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार हो जाता है और बहुत स्लो मूवमेंट उसकी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई लेज़ी कैटल यानी कोई मवेशी जो है वो किसी भी चरागाह में आहिस्ता आहिस्ता एक जगह से दूसरी जगह घास को चरते हुए जाते हैं. और ये भी फिर कि इट वॉज़ लाइक दैट फॉर चिप्स एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड एंड द डेज शॉर्टन टिल इट वॉज एक्चुअली डार्क इनफ टू लाइट द गैस. तो ये भी कि इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स, और ये बिल्कुल चिप्स के लिए भी ऐसा ही था. दिन जो हैं वो छोटे होते चले जा रहे थे और रात का वक्त हो जाता था. इनफ टू लाइट द गैस बिफोर कॉल ओवर. तो कॉल ओवर, कॉल ओवर का मतलब है रोल कॉल का टाइम जो है वो हो जाया करता था. अब वो रोल कॉल कैसे हो जाती थी वो भी यकीनन हम जो है वो अभी आगे देखते हैं, क्योंकि ये वाज़े तौर पे पता लग रहा है कि वो एक स्कूल की बात हो रही है और स्कूल ही शायद कहीं नज़दीक ही वाकया है जिसकी जो है वो कॉल ओवर की बेल का जो है वो पता लग जाता है. फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन स्टिल मेजर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट एंड वेल ही माइट फॉर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल. तो वो करीब ही जो है वो रहते थे मिसेस विकेट के पास. मिसेस विकेट के पास वो इसलिए रहते थे क्योंकि रिटायरमेंट का जिक्र है वो हमें आगे भी सुनने को मिलेगा. हमें ये पता लग जाएगा कि वो वहाँ पर ख़ास तौर पे मिसेस विकेट के पास, और मिसेस विकेट जो कि लैंड लेडी हैं जैसे पहले बात हुई, वहाँ पर उनके पास ये रहते थे. ही हैड बीन देयर मोर देन अ डेकेड एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप एंड वॉज ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रीनविच टाइम दैट बोथ ही एंड हिज लैंड लेडी कैप्ट. तो
अब एक ये बड़ी अहम बात है कि मिसेस विकेट के पास वो ठहर रहे हैं, मिसेस विकेट के पास ठहरने पे तकरीबन 10 साल, मोर देन अ डेकेड, 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ये भी कि ब्रुकफील्ड में का जिक्र आ गया, ब्रुकफील्ड वो स्कूल है एंड इट वॉज ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रीनविच टाइम। अब ये ग्रीनविच टाइम क्या है? ग्रीनविच टाइम बेसिकली एक ऐसा टाइम है जो कि मतलब एक टाइम जोन है, और इसकी ग्रीनविच टाइम के ऊपर जो प्रेफरेंस है, यानी वो टाइम जिसे आप घड़ी देख के वक्त का अंदाज़ा लगाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा सुपीरियर किस चीज़ को कहा जा रहा है? ब्रुकफील्ड के टाइम को। यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम मामूलात को घड़ी से अटैच करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ यू नो डूइंग ऑल हिज वर्क जो कि वो घड़ी को देख के करते, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम कामों को ब्रुकफील्ड स्कूल की जो कॉल बेल है उसके साथ जो है वो अटैच कर लिया हुआ था। यानी ब्रुकफील्ड से उनकी जो एक अटैचमेंट और एसोसिएशन और जो लव है वो किस कदर ज़्यादा है, वो हमें इन लाइंस में नज़र आता है। और मिसेस विकेट चिप्स वुड सिंग आउट इन दैट जर्की हाई पिच्ड वॉइस दैट हैड स्टिल अ गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस इन इट, यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप विल यू। और वो बाजुकात जो है वो अपनी एक हाई पिच्ड वॉइस के अंदर, यानी हाई पिच्ड वॉइस यानी कि अगरचे के वो ओल्ड एज के थे लेकिन वो अभी भी उसमें एक कड़क जो है वो मौजूद थी, बड़ा जोश मौजूद था। तो वो कहा करते कि क्या आप मुझे जो है वो एक कप चाय का जो है वो ला के दे देंगे प्रेप से पहले। तो प्रेप का मतलब इनिशियल रोल कॉल, यानी सुबह की घंटी से पहले का, तो स्कूल की घंटी से उन्होंने अपने तमाम मामूलात को सेट किया हुआ था। लेट्स मूव टू द सेकंड पैराग्राफ नाउ। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन इयर्स इट इज़ नाइस टू सिट बाय द फायर एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी एंड लिसन टू द स्कूल बेल साउंडिंग डिनर कॉल ओवर प्रेप एंड लाइट्स आउट। चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर दैट लास्ट बेल, देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, टर्न आउट द गैस एंड कैरी द डिटेक्टिव नॉवल टू बेड। तो अगेन वही बात कि जब आप बूढ़े हो रहे हो तो वो ये लगता है कि अच्छा है कि आग के पास, अलाव के पास बैठना, एक कप चाय का पीना, स्कूल की बेल का सुनना। तो सारा दिन उनका इसी तरह जो है वो गुजर जाता था, कॉल ओवर का, प्रेप का, और फिर लाइट्स आउट, और फिर शाम के वक्त लाइट ऑफ करके तो वो लेट जाते। अहम बात ये है कि एक डिटेक्टिव नावल वो पढ़ते थे, एक जासूसी नावल, ये उनको पढ़ने का शौक़ था और वो उनकी एक पुरानी आदत थी। तो हमें चिप्स के बारे में एक अहम बात का पता लगा और वो ये कि ब्रुकफील्ड से उनकी एसोसिएशन तो जैसे एक हमें अंदाज़ा हो ही गया वो है, लेकिन ये भी कि वो डिटेक्टिव नॉवल्स पढ़ने का बहुत शौक रखते थे। सो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग डिटेक्टिव नॉवल्स इज समथिंग दैट टेल्स अस अबाउट द पर्सनैलिटी दैट मिस्टर चिप्स पोजेस्ड। उसके बाद की लाइन देखिए, Rarely did he read more than a page of it before sleep came swiftly and peacefully, more like a mystic intensifying of perception than any changeful entrance into another world, for his days and nights were equally full of dreaming. अब ये बात को देखिए, एक तो ये बात बड़ी क्लियर है कि वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे और साथ ही जो है उनको नींद आ जाया करती थी, लेकिन उसके अलावा ये भी कि वो नावल पढ़ने के दौरान में जल्दी नींद आ जाती थी, लेकिन उसकी नींद किस तरह की थी? एक ऐसी मिस्टिसिज्म की बात हुई, एक ऐसी थी जिसमें कि इंसान की समझ और शऊर जो है वो तेज़ जो है मतलब वो हो जाता है, यानी मोर लाइक अ मिस्टिक इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड। तो बिल्कुल एक ऐसा भेद, एक ऐसी तब्दीली जो कि इंसान के लिए एक राज की तरह रहती थी और अगरचे कि वो उसकी समझ और शऊर को तेज़ भी कर देती थी। क्यों? क्योंकि असल वजह क्या थी? फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, चाहे उनके लिए दिन हो या रात हो, चूँकि वो एक रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि वो एक किसी ख्वाब किसी कैफियत है। तो ख्वाब वो सो रहे थे या जाग रहे थे, उनके लिए दोनों जो हैं वो टाइम बिल्कुल ऐसे ही था। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल ऑफ कोर्स इन डीड एज डॉक्टर मैरीवेल सेड। तो हमने डॉक्टर मैरीवेल के बारे में पहले पढ़ा, वो उनके डॉक्टर हैं।
इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आगे पढ़ के देखते हैं. एज डॉक्टर मैरीवेल सेड, देयर वॉज रियली नथिंग द मैटर विद हिम. माई डियर फेलो, यू आर फिटर देन आई एम, मैरीवेल वुड से, सिपिंग अ ग्लास ऑफ शेरी व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट और सो. तो डॉक्टर मैरीवेल जब आते तो आके उनसे मुलाकात करते और फिर आके उनको ये कहते कि आप बिल्कुल ठीक हैं, मुझसे भी कहीं ज़्यादा फिट हैं, यानी आपकी सेहत बिल्कुल जो है वो ठीक है. और एवरी फोर्टनाइट का मतलब ये है कि तकरीबन हर 15 दिन के बाद वो उनके चेकअप के लिए आते और बैठ के उनसे इन चीज़ों को डिस्कस करते और ये कहते. और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास से फोर्थ लाइन में देखिए, यू आर पास्ट द एज व्हेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीजेज, यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ. That is, of course, if you die at all. You're such a remarkable old boy that one never knows. But when chips had a cold or when east winds roared over the fenlands, Merrivale would sometimes take Mrs. Wickett aside in the lobby and whisper, look after him, you know, his chest. It puts a strain on his heart. Nothing really wrong with him. Only Anno Domini. तो वो उनको तो यही कहते हैं, लेकिन ये भी उनको कहते हैं कि तुम बिल्कुल फिट हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा. एक हल्के फुल्के से मजाहिया से अंदाज में ये भी कहते हैं कि तुम जैसे लोगों को तो नेचुरल डेथ आती है, वो भी ये कि अगर तुम्हें कभी मौत ने आ घेरा तो. यानी कहने का मतलब अदर वर्ड्स में ये है कि शायद तुम जैसे फिट लोगों को तो शायद कभी भी मौत भी नसीब ना होगी, मौत भी नहीं आएगी. तो लेकिन जिस वक़्त मौसम जो है वो तब्दील होता और ईस्ट विंड्स रोड ओवर द फेनलैंड्स, फेनलैंड्स का मतलब होता है मार्श, दलदली एरिया. तो जब तेज़ हवा, ठंडी हवा जब चलती मशरक़ की सिमत से, तो बाज़ुकात वो मिसेस विकेट को एक तरफ ले जाके साइड में उनसे कहते हैं कि इनका ध्यान रखें, इनकी चेस्ट, इनको सीने में तकलीफ़ है जो कि उनके लिए दिल पर उनके एक बोझ डालती है. वैसे इनके साथ और कोई मसला नहीं है, ओनली एनो डोमिनी. एनो डोमिनी का मतलब यहाँ पर एडवांसिंग एज, बढ़ती एज है. ये वैसे ये एनो डोमिनी जो है वो आपने जिस तरह एडी लगाते हैं किसी भी ईरा के आगे, क्राइस्ट के बाद का जो टाइम पीरियड उसके आगे आप एडी लगाते हैं, तो एडवांसिंग एज उसको कहा जाता है. तो ओनली एनो डोमिनी यानी मतलब ये है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय बुढ़ापे के, उम्र के बढ़ने का तकाजा है. बट दैट्स द मोस्ट फेटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड. और ये भी के यही सबसे ज़्यादा एक मुश्किल जो है वो और सबसे ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो कि जानलेवा जो है वो हो सकती है. एनो डोमिनी बाय जोव, यस, बॉर्न इन 1848 एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन. तो हमें मिस्टर चिप्स की डेट का पता लग गया कि डेट ऑफ बर्थ है 1848. And taken to the great exhibition as a toddling child, not many people still alive could boast a thing like that. Besides, Chips could even remember Brookfield in Weatherby's time. Aur Weatherby ke mutalliq humne padha tha, ye Mr. Weatherby ka time yahan par aa gaya. Aur Mr. Weatherby jo hain wo school ke principal the, Brookfield school ke principal. Aage iski further information dekhte hain. A phenomenon that was. Weatherby had been an old man in those days, 1870, easy to remember because of the Franco-Prussian War. So, Franco-Prussian War, France or Prussian, German Kingdom ka area hai. Us zamane mein, to France aur Germany ki jo war hai, 1870 ke time ke kareeb, uska hawala yahan pe diya gaya. To Weatherby ka jo time hai, period hai, Brookfield mein, jab Mr. Chips ki unse mulaqat hui, wo 1870 ka hai. Chips had put in for Brookfield after a year at Melbury. तो तकरीबन एक साल Melbury में काम करने के बाद जो है वो Brookfield स्कूल में as teacher जो है वो आए थे. और आगे इसकी डिटेल देखते हैं. Which he hadn't liked because he had been ragged there a good deal. तो वहाँ पर उनको ragged यानी जो है वो कुछ एक तरह से जिस तरह रैगिंग की जाती है स्कूल के स्टूडेंट्स की तरफ से, कॉलेज के स्टूडेंट्स की तरफ से, तो उनको वहाँ पे मॉक किया गया और वहाँ पर वो ये ज़्यादा जो है वो उनको पसंद नहीं आया. तो बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक, लेकिन ब्रुकफील्ड में आके वो उन्होंने पसंद किया ब्रुकफील्ड स्कूल को.
ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ही रिमेंबर्ड दैट डे ऑन हिज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू सनी जून विद द एयरफुल ऑफ फ्लावर्स सेंट्स एंड द प्लिक प्लॉक ऑफ क्रिकेट ऑन द पिच. और ये बात उनको आज भी अच्छी तरह से याद थी मिस्टर चिप्स को, जब वो गए वहाँ पर ब्रुकफील्ड स्कूल में वहाँ पर अपने इंटरव्यू के लिए, और क्रिकेट वहाँ पे एक क्रिकेट का मैच हो रहा था. ब्रुकफील्ड वॉज प्लेइंग बार्नहर्स्ट, तो ब्रुकफील्ड स्कूल जो है वो बार्नहर्स्ट स्कूल के साथ जो है वो मैच खेल रही थी. एंड वन ऑफ द बार्नहर्स्ट बॉयज, अ चबी लिटिल फेलो, मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी. और ये भी कहे क्रिकेट खेलने के दौरान में जो दूसरे स्कूल के वहाँ से लड़के आए हुए थे, उसमें से एक लड़के ने जो कि थोड़ा सा जो है वो मोटापे का शिकार था, फरबा था, वो उसने एक सेंचुरी भी बनाई. क्वियर दैट अ थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली. वेदर बाय हिमसेल्फ वाज वेरी फादरली एंड कर्टियस. ही मस्ट हैव बीन इल देन. पुअर चैप, फॉर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन बिफोर चिप्स बिगैन हिज फर्स्ट टर्म. बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर एनीवे. तो ये भी हमें पता लगा कि अजीब सी ये बात थी कि इस तरह की बात जो है वो मेमोरी में ठहर जाए. लेकिन ये भी याद था कि वेदर भाई बहुत ज़्यादा एक शफीक आदमी थे, बड़ी मोहब्बत से उनसे कर्टियस अंदाज में मिले. उनकी तबीयत यकीनन ख़राब रही होगी क्योंकि वो अगली समर वेकेशन में उनकी वफात हो गई थी. बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर एनी वे का मतलब के मगर उससे पहले दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो चुकी थी और एक दूसरे से बात कर चुके थे. चिप्स ऑफन थॉट एज ही सैट बाय द फायर एट मिसेस विकेट्स, आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु हैज अ विविड रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड वेदर बाय. विविड का मतलब वाज है, क्लियर. तो ये सोचते बाज का बैठ के कि मिस्टर वेदर बाय के बारे में बड़ी वाजे ख्यालात हैं. It was a frequent picture in his mind that summer day with the sunlight filtering through the dust in Weatherby's study. You're a young man, Mr. Chipping, and Brookfield is an old foundation. Youth and age often combine well. Give your enthusiasm to Brookfield and Brookfield will give you something in return. And don't let anyone play tricks with you. I gather that discipline was not always your strong point at Melbury. So Mr. Chips ke saath baithe hue, उन्होंने उनके पहला जो मुलाकात हुई और इंटरव्यू हुआ तो ये कहा कि आप एक नौजवान आदमी हैं, ब्रुकफील्ड एक पुरानी जो है वो एक उसकी हिस्ट्री है, फाउंडेशन है, तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अच्छे तरीके से अपने पूरे जोश और वलवले से काम करें और ब्रुकफील्ड से आपको यकीनन इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल होगा. ये भी कहा कि मुझे पता चला है कि मेलबरी स्कूल में डिसिप्लिन का आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ा था. तो मिस्टर चिप्स का जवाब क्या है इस लाइन को देखिए. वेल नो परहैप्स नॉट सर, नेवर माइंड, यू आर फुल यंग, इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, यू हैव अनदर चांस हियर, टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट. और ये कहा कि बहरहाल ये सब चीज़ें तजुर्बे से आ जाती हैं, आप यहाँ से जब आए हैं तो सख्ती जो है वो शुरू के दिन से ही जारी रखिएगा. Perhaps it was he remembered that first tremendous ordeal of taking prep, a September sunset more than half a century ago, big hall full of lusty barbarians ready to pounce on him as their legitimate prey. तो वो जब गए वहाँ पर तो इन तमाम मुश्किलात जो बहरहाल फेस करनी थी नए स्कूल में, तो जब वो गए हॉल में तो वहाँ पे पूरा हॉल जो है वो खचाखच भरा हुआ था लड़कों से, जो कि बिल्कुल इस तरह से तैयार थे जैसे कि उस पर वो झपटना चाहते हैं, एक शिकार की तरह वो उस नए टीचर पे अटैक करना चाहते थे. तो उसकी वजह इस लास्ट लाइन को देखिए. हिज यूथ, fresh complexioned, high collared and side whiskered, old fashions people followed in those days. At the mercy of 500 unprincipled ruffians to whom the baiting of new masters was a fine art, an exciting sport and something of a tradition. तो ये जो हैं वो ये समझते थे कि कोई भी नया उस्ताद जो आएगा तो वहाँ पर आकर उसको बहरहाल
हर सूरत में तंग किया जाएगा। बहरहाल ये एक बद तहजीबी की बात है और वो एक नौजवान आदमी भी थे, लेकिन उनको जो है वो ये अजीब फैशन जिसके मुतल्लिक उन्होंने कहा कि वो बड़े बड़े कॉलर और साइड के ऊपर कलमे रखी हुई थी, तो एक पुराना फैशन था। लेकिन उन तकरीबन 500 रफियंस यानी बद तहजीब लड़के जो उस वक्त स्टूडेंट मौजूद थे उस हॉल में, उनके रहमो करम पे मिस्टर चिप्स थे। और तभी अगर आप याद करें तो उनको ये कहा गया था, एक एग्जाम उनको सजेस्ट ये किया गया था कि आप जो है वो शुरू से ही सख्ती का रवैया इख्तियार जो है वो कीजिएगा क्लास में जाके। तो सेकंड लाइन को देखते हैं, डिसेंट लिटिल बैगर्स इंडिविजुअली बट एज अ मॉब जस्ट पिटीलेस एंड इम्प्लेकेबल। तो वैसे तो जब वो अकेले होते थे तो ज़्यादा शरारती नहीं होते थे, लेकिन जिस वक्त इकट्ठे हो जाते थे तो वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल जो है वो बेरहम और संग दिल लगता है कि हो जाया करते थे। अच्छा, नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट लाइन। द सडन रश एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डेयस। तो जैसे ही वो डेयस पे गए, ओके एंड यस वन करेक्शन हियर, दिस वर्ड प्लीज इट इज मिसप्रनाउंस्ड, जनरली मिसप्रनाउंस्ड एज डाइस, दिस इज नॉट डाइस, दिस इज डेयस। ये वही डेयस है जो कि आपके क्लासरूम्स में अपने मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में जिसके सामने टीचर्स आपके खड़े होकर आपको पढ़ाते हैं और इसको डाइस कहा जाता है। बट प्लीज़ रिमेंबर दिस इज मिसप्रनाउंस्ड एज डाइस, डाइस ये नहीं होता, दिस इज डेयस, इट इज़ प्रनाउंस्ड एज डेयस। तो वहाँ पे डेस्क पे डेयस के सामने जो है ये जाके खड़े हो गए। द स्काउल ही अस्यूम्ड टू कवर हिज इनवर्ड नर्वसनेस, द टॉल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम एंड द स्मेल्स ऑफ इंक एंड वार्निश, द लास्ट ब्लड रेड रेज स्लांटिंग इन स्लैब्स थ्रू द स्टेन्ड ग्लास विंडोज। तो एक इमेज जो है वो एक वो क्रिएट किया है नॉवलिस्ट ने कि ये सब जो हैं वो एक जब ये वहाँ पर गए और अपनी अंदरूनी जो एक परेशानी है छुपाने के लिए वो तेवरी भी चढ़ाई, माथे पे बल भी डाले, पीछे एक घड़ी की आवाज़ टिक टिक कर रही थी, वार्निश की और स्याही की बू भी फैली हुई थी, तो यकदम जो है वो एक इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट क्या है आगे पढ़ते हैं, इस लाइन को देखिए। Someone dropped a desk lid. Quickly he must take everyone by surprise. He must show that there was no nonsense about him. तो किसी ने जो डेस्क है उसका जो जो डेस्क है उसको गिराया, आवाज़ जो है वो ढकना उसका जब गिरा तो पैदा हुई, तो उसने सोचा कि मुझे फ़ौरन इस मसले को शुरू से ही डिसिप्लिन वाले मसले को हल करना है। मिस्टर वेदरबाई की तरफ से भी यही उनको नसीहत की गई थी। तो उन्होंने क्या किया और बोला, यू देयर इन द फिफ्थ रो, यू विद द रेड हेयर, व्हाट इज योर नेम? कोहली सर, वेरी वेल कोहली, यू हैव 100 लाइंस, नो ट्रबल एट ऑल। आफ्टर दैट ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड। और इसके बाद तो जब उन्होंने देखा तो फौरन उन्होंने उसको कहा कि वो तुम जो कि पांचवीं रो में पांचवीं कतार में बैठे हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा मेरा नाम कोहली है। तो उसने उनको उस जो है वो शुरू से ही सख्ती अपनाई और एक उनको सज़ा के तौर पे लिखने के लिए 100 लाइंस, तो जो लिखने के लिए दे दिया 100 लाइंस घर से तुम लिख के लेकर आओगे, और फिर उसके बाद किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है वो नहीं हुई। तो आज हम इस अपने लेसन को यहीं पे जो है वो स्टॉप करेंगे एंड इंशाल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू विद आर दिस लेसन इन आर नेक्स्ट वीडियो। सो उम्मीद है कि आपको ये जो है वो पसंद आया होगा लेसन जो है। यू कैन एज आई सेड अर्लियर एज वेल आई वुड रीइटरेट अगेन दैट अगर कोई चीज़ आप समझते हैं कि कोई कन्फ्यूजन है तो हम जो है वो उसको यकीनन क्लैरिफाई करेंगे। आप ये चीज़ कमेंट्स बॉक्स में भी जो है वो लिख सकते हैं एंड एज आई सेड
earlier as well. We will inshallah ta'ala continue with our lesson in our next video. So until then, don't forget to like and subscribe the channel, and it is goodbye.